अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त हो रहे हैं यार सुबह के 7:45 और मैं इतनी जल्दी क्यों उठा। मैं बेसिकली यार नहीं हूँ क्योंकि मैं सोया नहीं था। सैरी करने के बाद किसको नींद आती है। ठीक है, अब मैंने कॉलेज जाना है, काफ़ी देर हो गई कॉलेज नहीं गए, तो कॉलेज एक चक्कर मार के आएंगे और टेस्ट भी हो रहे हैं तो टेस्ट भी दे के आएंगे। बाकी चलें फिर आते ही सर। मैं यार आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये Q&A वीडियो है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा छोटा सा। तो खैर फिलहाल हमने कॉलेज जाना, थोड़ा सा जाके देखते हैं कि क्या वहाँ का सीन है, तो वापस आके जो है वो Q&A शूट करेंगे। अभी जो है यार जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और निकलते हैं कॉलेज। A few moments later, रेडी शेडी हो गए हैं, ठीक है, जैसा कि देख सकते हो। तो यार अभी जो है वो 7:30 हो रहे हैं, तो निकलते हैं बस जल्दी से कॉलेज के लिए। 8 बजे यार हमने वहाँ पर पहुँचना होता है, तो बस अब जल्दी से निकलते हैं और जाके देखते हैं कि हफ्ते बाद जो है वो शक्ल कैसी है कॉलेज की, कोई बदला बुदला है कि नहीं बदला है, जाके पता चलेगा। तो आज बैग की जिप बंद करते करते जी जिप ही ख़राब हो गई है सारी ना, सारे मसले आज ही होने हैं। आज ही मैं एक तो हफ्ते बाद बंदा कॉलेज जा रहा है, ऊपर से यार ये देखो ये मसला नया पड़ गया। खैर पकड़ते हैं इसको, वैसे ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। अच्छा तो भाई सब कॉलेज पहुंच गए यार, और शक्ल जो है वो सेम ही लग रही है, अभी देखते हैं जाके। ये माँ बाप आपको इसलिए कॉलेज भेजते हैं कि आप जो है गन्स की पिक्चर लो और ये डीलिंग कर रहे हो बाप साहब आप इस तरह। जहाज दिखाओ यार, हम भी जहाज दिखाओ। देखो जहाज, ये जहाज है जी, हमारी क्लास का जहाज है। अच्छा तो यार मैं कॉलेज से वापस आ गया हूँ और थोड़ी सी थकावट हो गई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी Q&A की वीडियो जो है वो अपनी बना लेता हूँ। अभी आपके जो भी 5-6-7 सवाल हैं उनके मैं जवाब बात दूंगा। अजय फिर Q&A स्टार्ट करते हैं। अभी यार एक दो दिन पहले जो है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, मैं उसका जवाब जो है वो यूट्यूब वीडियो में दूँगा। ज़्यादा तो नहीं लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं तो जवाब देते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हामिद आपने यूट्यूब चैनल बनाने का क्यों सोचा। यार भैया मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि एक तो मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का भी एक शौक़ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं छोटे छोटे व्लॉग्स जो हैं वो बनाता हूँ और जहाँ पे मेरे एक्सपीरियंसेस मैं जहाँ जाता हूँ और ये सब, ये एक मेमोरी की तरह स्टोर हों मेरे पास, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए मेरे पास जो है वो लाइफ में स्टोर हों। हर बंदा जो है वो चाहता है कि जी यूट्यूब पर उसको फेम मिले। अभी इसी जो है वो इंटेंशन से आया हूँ कि इंशाल्लाह मेहनत करके और फेम जो है वो हासिल करेंगे और इज़्ज़त से जो है वो फेम हासिल करेंगे। हमारा जो है अगला सवाल वो है जी, कितनी इनकम हो जाती है यूट्यूब से। पर्सनल क्वेश्चन, नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, इनकम अभी कोई भी नहीं होती। यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स पे और 4000 वॉच आवर्स पे, और मेरे जो हैं वो अभी 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट नहीं हुए। जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि 1000 कम्प्लीट हों। इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि 1000 रीच करें, तो जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यूट्यूब से मेरी इनकम भी फ़िलहाल कोई नहीं है, और 1000 होंगे इंशाल्लाह तो इनकम भी ज़रूर आएगी और आपसे भी ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई, ड्रीम जॉब या बिज़नेस। यार मेरा जो है ड्रीम जॉब, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है और मेरी फील्ड भी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही है। कि मेरा प्लान ये है कि मैंने इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके अपना साइड बाय साइड साथ एक बिज़नेस भी रन करना है। कहते हैं ना कि किसी ने, कोई कहता है मैंने जॉब ही करनी है, कोई कहता है मैंने बिज़नेस ही करना है, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे थोड़ा डिफरेंट है। मैं जॉब करके उससे थोड़ी सी अमाउंट सेव करके बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू फाइनेंशियली स्टेबल, एंड इफ़ यू आर हाउ कैन आई बी एंड वट कैन बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स। यार देखो, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल्ड बाय माई पेरेंट्स, ठीक है, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मैं सारे एक्सपेंसेस अपने खुद अफोर्ड कर लेता हूँ। चीज़ें हैं जो कि मैं ऑनलाइन अपनी स्किल के थ्रू, कभी ना कभी प्रोजेक्ट आता है तो मैं कर देता हूँ, और कुछ कुछ मैंने स्किल सीखी हुई हैं जिसकी वजह से मेरी इनकम कभी कभी जनरेट हो जाती है और मैं अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे कर लेता होता हूँ। फाइनेंशियली जो अभी पूरा स्टेबल हूँ वो ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स पे हूँ,
और अपने आप पे इंशाल्लाह ज़रूर होऊंगा। और अभी जो है वो साथ साथ स्किल सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह स्किल भी काम आएंगी काफ़ी ज़्यादा, और अपने आप पे भी फाइनेंशियली स्टेबल मैं इंशाल्लाह ज़रूर होऊंगा। कबूल का जो है वो पॉकेट मनी टाइप वो मेरी एक निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गर्लफ्रेंड। यार रमज़ान चल रहा है, थोड़ा सा यार बंदा शर्म कर लेता है। अस्तगफिरुल्लाह यार, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं भाई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। 2 साल बाद आपकी शादी है ना? क्या यार, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल बाद मेरी कोई शादी नहीं है, ना मैंने कभी अनाउंस की है। तो ये आपकी एक मिथ है जो कि गलत फहमी है, तो यह आपने गलत अंदाज़ा लगाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एज। यार मेरी है एज 18 और रिसेंटली मैं फरवरी में 18 का हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विल यू मैरी मी। यार मुझे लगता है मैंने जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन कम खोला हुआ है, यहाँ पे rishta.com ज़्यादा चल रहा है। यार आई कैन नॉट मैरी यू, सो प्लीज़ थैंक यू, ठीक है। अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट प्लेस टू विजिट। यार मेरी जो है ना बड़ी फेवरेट प्लेसेस हैं, ठीक है, और मैं एक ट्रैवलर बहुत अच्छा हूँ, बनना चाहता हूँ, ठीक है, और ड्रीम प्लेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरी मोस्ट फेवरेट है वो मालदीव्स है। अभी भी मौका मिला तो यार मैं मालदीव्स ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस है, और बाकी भी हैं, बाकी कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन मालदीव्स टॉप पे है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रिलेशनशिप स्टेटस। आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करें, आपको पता चल जाएगा। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ के फ्रीलांसिंग कैसे करता है भाई। अच्छा देखो यार, ये मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने पूछा हुआ है, जिनको मैंने बताया हुआ है कि मैं फ्रीलांसिंग हल्की फुल्की करता हूँ। फ्रीलांसिंग मैं प्रॉपर वाली जो है वो नहीं करता। प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं उस तरह की मेरी ना तो अभी स्किल डेवलप हुई हुई है और ना जो है मैं वो फ्रीलांसिंग करता हूँ। बेसिकली मैं करता क्या हूँ कि एक वेबसाइट है जिससे मैंने अर्निंग जो है वो हल्की फुल्की स्टार्ट की हुई है, लेकिन उससे अभी मैं विड्रॉ नहीं करवा सका, ठीक है, और अभी मैं उसको एक टेस्ट में कर रहा हूँ, अभी टेस्ट ले रहा हूँ उसका, और इंशाल्लाह जल्द ही जैसे वो टेस्ट क्लियर होगा मैं आप लोगों को ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। बाकी फ्रीलांसिंग इस तरह होती है कि यार कुछ जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग की करके दी हुई है, मैंने फ़ोटो एडिटिंग करके दी हुई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दी हुई है लोगों को, और उसके बदले में जो है वो मैं कुछ अर्न कर लेता हूँ हल्का फुल्का। तो वही बात आ जाती है, स्किल सीखते हैं, और स्किल आप सीख लोगे तो आप फ्रीलांसिंग आराम से कर सकते हो। हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, तो आप आराम से जो है वो वहाँ पे जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लेकिन आपको काम आना चाहिए, ये एक मेजर शर्त है। अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको कोई हायर नहीं करेगा। सो ये है मेरी फ्रीलांसिंग, अगर मैं छोटी मोटी करता हूँ तो वो मैं ऐसे करता हूँ। ये था यार छोटा सा Q&A सेशन, बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे 1000 सब्सक्राइबर्स पे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें यार चैनल को। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।